हेलो गाइस, डिजाइन से यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंकुल कुमार और आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको मैं अच्छे से बताऊंगा इंपोर्ट कैसे करोगे आप वीरे के इस फाइल को। सो इसमें क्या है, इंपोर्ट करना तो इजी होता है, आपको लगेगा कि नहीं स्किप कर देनी चाहिए आपको वीडियो को भी, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा बग है जो कि हमें इशू करता है हम जब इसको रेंडर को निकालते हैं। सही, इसको अच्छे से समझ लेते हैं, तो वीडियो को अच्छे से आप देखना तभी समझ पाओगे, वीडियो काफी छोटी होने वाली है। सो ऐसे अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को कर ले सब्सक्राइब, बेल दबा दे ताकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट है वो आपको मिलते रहे। तो लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे एंड उसके एडवांस पैरामीटर्स को भी मैंने बता दिया था। सो यहां पर सिंपली सबसे पहले तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं एंड यहां पर इसका मैं एक इंटरेक्टिव रेंडर दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मल्टी मटेरियल्स को यूज किया है। सो यहाँ पर मैंने आपको लाइव दिखाया एंड अब इसको सिंपली मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूँ। सिंपली आप एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट करने से पहले आपको ध्यान देना है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रुप में होना जरूरी है। सो आप अपना परफेक्ट लोकेशन जो मर्जी चाहे वो चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वॉल नाम से अपने फोल्डर में सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप सिंपली इसको कर ले सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद एक्सपोर्ट पे आपको करना है क्लिक। एक्सपोर्ट जैसे ही आप करते हैं तो फाइल मैनेजर में जाएंगे एंड यहाँ पर एसेट एडिटर में जाने के बाद आप नोट करेंगे कि यहाँ पर एक मल्टी मटेरियल क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा तो एक ही के अंदर आप दोनों मटेरियल को देख पा रहे हैं। सो सिंपली आपको करना क्या है, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करना है, यहाँ पर सेव किया हमने, सेव हो गया आपका मटेरियल। ध्यान रहे आपको अपने जो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसको आप अच्छे लोकेशन पे सेव करें एंड जो भी आपका मटेरियल है वो भी आप इसको सेव जरूर कर लें ताकि हमें बाद में एरर ना करे। तो अभी एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऐसा व्यू देखने को मिलता है। लेकिन अब जब मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल को ओपन करता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पर मैं इम्पोर्ट करता हूँ अपने इस फाइल को। सो यस, यहाँ पर मैं इम्पोर्ट कर रहा हूँ एंड अब आप देखोगे कि यहाँ पर मेरे को एरर शो होगा जब मैं इसको रेंडर करूंगा, इंटरएक्टिव रेंडर। सो नाउ यू कैन सी दैट कि हमारी जो प्रॉक्सी है वो तो लग गई है, लेकिन यहाँ पर रेंडर कुछ ऐसा देखने को मिलता है। सो इसको फिक्स आउट कैसे करना है वो यहाँ पर हम समझ लेते हैं। सो सिंपली आपको यहाँ पर वीरे के एसेट एडिटर पर क्लिक करना है एंड आप देख सकते हो यहाँ पर काफी सारे मटेरियल्स हैं। सो जो यहाँ पर फालतू मटेरियल्स हैं वो यहाँ पर मैं कर देता हूँ डिलीट। तो डिलीट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आप वॉल मटेरियल जो अभी इसके अंदर लगा हुआ है वो अब आपको सिंपली ओपन करना है। आपने जो बनाया था वो यहाँ पर कर ले ओपन। तो यहाँ पर एक और आपको मैं बताऊं कि आप कभी भी नेम को सेम ना रखें। अगर आप नेम को सेम रखेंगे तो उससे एरर जनरेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके नेम को कर दिया है चेंज। ओपन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर आ चुका है। राइट क्लिक आपको करना है, यूज एज रिप्लेसमेंट यहाँ पर क्लिक कर देना है एंड जो आपको प्रीवियस वाला यानी जो हमने नेम चेंज किया था अभी रिसेंटली, तो यहाँ पर जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, रिप्लेस इन सीन पर क्लिक कर देना है एंड अब मैं यहाँ पर अगर रेंडर करता हूँ So now you can see that कि मेरा जो प्रॉब्लम था वो यहाँ पर फिक्स आउट हो चुका है। सो इस तरह से गाइस आप इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट के भी कुछ यहाँ पर एडवांस पैरामीटर्स जो कि मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली आप क्लिक करेंगे, वॉल पर जाएंगे एंड उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो प्रॉक्सी प्रीव्यू, होल मैश बाउंड्री, ये सब क्या है। सो यहाँ पर अभी प्रॉक्सी प्रीव्यू जो आप प्रीवियस मतलब दे चुके होंगे वो यहाँ पर आएगा। होल मैस आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, यहाँ पर वार्निंग का भी साइन आ रहा है। सो ये क्यों आता है, जो आपका व्यू पॉट होता है पिछले बार का ये वहां से उसको डिलीट कर लेता है। तो मे बी समटाइम्स आपका एरर यहाँ पर शो करेगा, सो आप इसको ना करें एंड अगर आप और भी लाइट करना चाहते हैं सो आप बाउंड्री बॉक्स पर क्लिक कर सकते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं कैसे आपका यहाँ पर चेंज हो जाएगा। सो ऑलरेडी बाउंड्री बॉक्स में था, यहाँ पर अगर मैं इसको पॉइंट पर क्लिक करता हूँ सो नाउ यू कैन सी कि कैसे एक सिंपल पॉइंट पर चेंज हो गया। सो इसी तरह से पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसमें से आप जो चाहो वो यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है कस्टम प्रीव्यू, इसमें आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो सबसे लाइट एंड वर्जन रहता है वो रहता है कस्टम प्रीव्यू, मतलब कि जैसा मॉडल वैसा आपका यहाँ पर चेंजेस होएगा। सो यहाँ पर आप चाहे करें पॉइंट पर या बॉक्स पर, चाहे जो मर्जी वो करें, आपका जो रेंडर निकलेगा वो कोई फर्क नहीं आएगा एंड आपकी फाइल भी अगर हैंग हो रही होगी तो वो भी नहीं होगी। होपफुली आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यस गाइस, इस वीडियो के ऊपर आई बटन हाईलाइट हो रहा है तो रेड भी जरूर कर दे। तो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।